जय हिंद मेरे भाई। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डे ईटिंग प्लान फॉर फैट लॉस। बिकॉज बहुत लोग डीएम कर रहे हैं कि सर हम फैट लॉस करना चाहते हैं, अपना पेट को कम करना चाहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हम सुबह से लेकर रात तक क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, हम कुछ मालूम ही नहीं है। और साथ में उनका ये भी मैसेज आता है कि सर कोई ऐसा सस्ता बता दीजिए ना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। बिकॉज आजकल के जो यूट्यूबर हैं वो मतलब ऐसा ऐसा चीज़ बता देते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो हम आपको ये सब गलती नहीं करने देंगे। हम आपको जो भी डाइट बताएंगे, जो भी हम प्लान बताएंगे, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता, और हर कोई इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरह का फैंसी डाइट नहीं है, सिंपल सा है जो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके घर में हमारे घर में मिलते हैं। अगर हम और यूट्यूबर की तरह चाहते ना तो हम आपको शो ऑफ कर देते कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, फलाना ढकना आ ही जाए। इससे क्या होता, आप एक दिन फॉलो करते, दो दिन फॉलो करते, तीसरा दिन आप इरिटेट हो जाते हैं बिकॉज आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पैसा। पैसा रहेंगे तभी डाइट आएगा। अब बात करते हैं कि आपको सुबह से लेकर रात तक क्या करना है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक गिलास गर्म पानी से स्टार्ट करना है। बिकॉज गर्म पानी से क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम आपका इंप्रूव होता है। और पानी पीने का भी तरीका ये नहीं कि पिए और गड़गड़ा एकदम धड़ाक से नीचे, नहीं, सिंपल सा पी रहे ऐसे करके पीने से क्या होगा, आपका जो सलाइवा है ना वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, सिंपल। फिर क्या करना, बिना कुछ खाए हुए सिंपल सा फील्ड जाना है। फील्ड में आपको 30 से 40 मिनट आपको कार्डियो करना है। कार्डियो का मतलब ये नहीं कि पूरा टंटनाक पूरा दौड़ ले, पूरा दौड़ ले, बर्पी पूरा कह ले, हाई नीज पूरा कह ले, नहीं, सिंपल जितना आपका औकात है उसके अनुसार, ठीक है। जब आपका कार्डियो ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करना है, 20 से 30 मिनट रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करना, वेट ट्रेनिंग करना, बॉडी वेट एक्सरसाइज करना, लाइक पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, स्क्वाट्स हो गया, ठीक है, ये सब एक्सरसाइज इंक्लूड करना। अगर आपके पास ईटा है तो ईटा से बाइसेप्स लगाइए, ट्राइसेप्स लगाइए, चेस्ट लगाइए, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। बिकॉज सिर्फ अगर आप कार्डियो पे ध्यान देंगे ना तो आपका फैट लॉस हो जाएगा लेकिन आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी। तो हम और यूट्यूबर की तरह हम आपको ये बताना नहीं चाहते, आप गलती ये करवाना नहीं चाहते हैं। जब आपका ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी फिर सिंपल आएंगे घर, ठीक है। घर में क्या करना है, सिंपल सा नहाना है, ये ना कि अकबा का क्या तुरंत खाए, नहीं, सिंपल फ्रेश व्रेश हो गया, जो भी आपके घर में मिलती है रोटी सब्जी, लेकिन इसमें क्या ऊपर से इंक्लूड करना है, 3 से 4 होल एग, ठीक है, अंडा 3 से 4 होल एग, ज़्यादा दाम नहीं है, 5 रुपये पीस करके लेंगे तो 20 रुपया। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोया चंक्स, ठीक है, सोया बड़ी 10 रुपये में आपको 100 ग्राम या 50 ग्राम मिल जाएगा, सिंपल सा ख़त्म। इसके बाद क्या इंक्लूड करना है, सैलेड। सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप सैलेड लेंगे ना तो आपका पेट भरा भरा लगेगा बिकॉज इसमें क्या होते हैं, फाइबर। क्लियर एंड कट, सिंपल है, कोई फैंसी है नहीं ना, ये तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चले जाइए, दुकान फलना ढकना पढ़ने उड़ने कहीं भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं दोपहर के मील में। दोपहर के मील में सिंपल जो भी आपके घर में मिलती है, जो भी मिलता है उसको इज्जत से खाइए, जैसे दाल हो गया, आपका भात हो गया, सब्जी हो गया। लेकिन ऊपर से क्या इंक्लूड करना है, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो चिकन इंक्लूड कर लीजिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर लेग्यूम्स हो गया, ये सब चीज़ आपको ऐड करना है। और साथ में सैलड, सैलड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलड आपको हमेशा इंक्लूड करना है। अब आते हैं स्नैक्स में, बिकॉज 4 और 5 के बीच में बहुत ज़्यादा भूख लगता है, आप लोग पूरा छटपटा जाते हैं, सलाह अरे जल्दी लाओ, समोसा लाओ, चाउमीन लाओ, ए जल्दी लाओ, ढुसका लाओ, ए बर्रा लाओ, ए कुछ भी लाओ, मतलब जो आपको मिलता है सब ढकेलने चाहते हैं। लेकिन आपको इस टाइम आपको परहेज करना है। परहेज की जगह क्या करना है, अच्छी चीज़ लेना है। अभी तो सीजनल फ्रूट चल रहा है, क्या हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, अब बहुत सारी चीज़ है, आप ये सब चीज़ को ले सकते हैं। और अगर आप जिम अफोर्ड करते हैं तो सिंपल सा क्या लेना, आपको बनाना लेना है, ओट्स लेना है, दलिया लेना है, पॉपकॉर्न हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारी फूड है, कोई भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। और जिम में जाके क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग करना है। वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है, आपका बॉडी में स्ट्रेंथ होता है, आपका अच्छा फिजिक बनता है, ठीक है, सिंपल। जब आप जिम से आएंगे तो क्या करना है, 4 अंडा पीला वाला हटा देंगे, पीला वाला फेंकेंगे नहीं, कुत्ता को दे देंगे, बिल्ली को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन है तो वही पनीर सोया चंक्स लेग्यूम्स ले सकते हैं। फिर वही आपका 8 और 9 के बीच में जो भी आपका घर में बनता है रोटी सब्जी, ठीक है। लेकिन ऊपर से क्या इंक्लूड करना है, सिंपल सा दही इंक्लूड कर लीजिए, सैलेड, और अगर आपके पास थोड़े से और पैसे हैं तो फिश ले लीजिए, चिकन ले लीजिए, मटन इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग।
ये तो होगी आपकी फुल डे ईटिंग प्लान। अब बात करते हैं आपका परहेज की, क्या क्या चीज़ें आपको परहेज करना है और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो बात है वो है आपका कैलरी, कैलरी मेंटेनेंस कैलरी आपको निकालना है कि आपकी मेंटेनेंस कैलरी कितना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा गूगल क्रोम में जाइए, लिखिए हाउ टू फाइंड मेंटेनेंस कैलरी, आपके सामने दिखा देगा, अपना डेटा दीजिए, आपके सामने हाजिर। उसे 200-300 कैलरी आपको ड्रॉप करना है और उसे फॉलो करना। दूसरा चीज़ क्या है, वो है आप लोग पानी नहीं पीते, पानी पीने में कतराते। पानी कौन मर महंगा आता है यार, फ्री में तो आता है, पानी पियो टंटना के। पानी पीने से क्या होता है मालूम है, जो आपकी बॉडी पहले से वाटर होल्ड करती है वो उसको रिसाइकल करती है, और हमारी बॉडी में तो सिर्फ सिर्फ पानी है, समझ गए ना मेरी बात को। तीसरा चीज़ क्या है, वो आप लोग का खट्टा मीठा चटपटा ज़्यादा आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा कैलरी मिल रहा है, आपकी बॉडी में स्टेमिना ख़त्म कर रही है। चौथी चीज़ क्या है, वो आपका जंक फूड, जंक फूड से आपको कोसों दूर रहना, जो आप लोग थोड़ा और थोड़ा करके जो चाउमीन लेते हैं ना, इससे क्या करना आपको दूरी बनाना है। पांचवा चीज़ क्या है, वो है आपका एक्सरसाइज, आप लोग एक्सरसाइज करने में कतराते हैं, आप लोग सुबह उठने में कतराते हैं, दुनिया क्यों ना पलट जाए, दुनिया क्यों ना मतलब टेढ़ा गोला कुछ भी हो जाए, आपको सुबह उठ के एक घंटा अपने शरीर के लिए अपने हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना है तो करना है। अब ये नहीं कि हम आपको बोल रहे कि मतलब पूरा हैबिट टाइप से करने लगो, नहीं, सुबह उठ के जाइए, देखिए कि फील्ड में माहौल कैसा है, हरियाली कैसी है, बात कीजिए, खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, बच्चे के साथ खेलिए, हंसी मजाक करिए, वो हो गया आपका एक्सरसाइज, वो हो गया आपका इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो पगला रहे कि हम फैट लॉस कैसे करेंगे, हमको मालूम नहीं है कि डाइट में क्या क्या लें। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर आप क्या बता दिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम में DM कीजिए, RRFitness18 हमारा यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।